हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज फिर कोई एनालाइज करते हैं, मार्केट में कोई अच्छी एंट्री देखते हैं और आपको सिखाते भी हैं ताकि जिससे अच्छी हेल्प हो जाए आप लोग की भी, और आप लोग सीख भी जाएं, समझ भी जाएं कि ट्रेडिंग में स्नाइपर एंट्रीज जो है ना, हमें किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं वीडियो पे। तो अभी एनालाइजेशन कर रहे हैं इसके लिए कि हमें कहीं से अच्छी एंट्री मिल सकती है। ये तो एक हमें यहाँ से एक एंट्री मिलेगी, 100% कंफर्म है। और भी थोड़ी मोटी एनालाइजेशन कर लेते हैं इसमें कि कहाँ से हमें इसमें कितना रिस्क लेना चाहिए। ये तो हमारे हाथ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर इसने एक स्पाइक दिया था लेकिन ये मिस हो गया, अभी इसका टाइम नहीं है। चलिए और देखते हैं कहीं से अच्छी एंट्री मिल पाएगी हमें या नहीं। वही सेम टू सेम, बस थोड़ी सी अर्ली हो जाएगी इसमें एंट्री, उसमें थोड़ी सी लेट है। चलिए यहाँ तक के लिए इसको वेट करते हैं, अभी आगे देखते हैं, किसी और पैर में देख लेते हैं। इसमें भी निकल चुकी है हमारे हाथ से एंट्री, क्रेश 500। अभी तो कोई ख़ास ऐसी एंट्री नहीं दिख रही, बहरहाल पोजीशन इसकी यहाँ से डाउन होने वाली है। हाँ बूम 500 की मैंने पहले एनालाइजेशन की थी, ठीक है। तो इसमें हमें अच्छी एंट्री मिल रही है। देखें मैंने एक बिल्कुल बॉटम साइड पे, लास्ट पॉइंट पे जो इसका हमें मिल रहा था बॉटम एरिया, और इस जो अभी रिसेंटली स्पाइक आया है इसमें भी बॉटम एरिया आया है। तो इस एरिया को हम डिस्कवर करते हैं और इस पर ट्रेड भी लेंगे। जब ये हमारी एंट्री तक पहुँचेगी, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगी ना सिस्टम, तो उस टाइम हम जो है ना इसमें एंट्री लेंगे। जी हमने बैलेंस सेट कर लिया है 0.80 का और लॉट साइज सेट कर ली है अभी हम ट्रेडिंग के लिए। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ दोबारा कि मैंने कहाँ कहाँ से इस ट्रेंड लाइन को, वैसे बेसिकली जो बूम एंड क्रेश की जो ट्रेडिंग है ना, वो ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा इन्हेसार करती है बनिस्बत है और दूसरी चीज़ों के। तो मैं भी इसमें ट्रेंड लाइन की ही सपोर्ट से जो है ना काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग करता हूँ। ये उस दिन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो गाइड की थी उसमें मेरा 224 बैलेंस था, अभी मेरा बैलेंस है 388। तो ये मैंने सारा के सारा इसी ट्रेडिंग से ही किया है ये, और वो ये वही अकाउंट है। तो अच्छी स्नाइपर एंट्रीज लें तो अच्छा होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपनी ट्रेड हिस्ट्री कि मैंने आज के रेस में क्यों कौन कौन सी ट्रेड हिस्ट्री में मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड ली थी और किस तरह से ट्रेड की थी। तो चलें वेट करते हैं इसका इस एरिया पे पहुँचने का कि कब ये इस एरिए को टच करेगा तो और हम एंट्री लेंगे। चलें सेकेंड सेकेंड लास्ट भी हमने नियर बाई है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें वो नहीं आ रहा, डिफरेंस नहीं आ रहा, वैसे नियर बाई है। और अभी इसमें एक और ट्रेंड लाइन लगा देते हैं ताकि इजी होएगा हमारे लिए समझना। बिल्कुल बहुत अच्छी जगह पे हमें एंट्री मिल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से स्पाइक आएगा और मैं एनालाइजेशन भी कर चुका हूँ इसकी। तो चलें वेट करते हैं, अभी एक दो कैंडल का है अभी भी टाइम, क्योंकि हमें स्नाइपर एंट्रीज लेनी है। वैसे यहाँ से भी हम एक ऑर्डर प्लेस कर दें तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलें ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ये ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा एक, अब वेट करते हैं कब तक स्पाइक आएगा। और अच्छा इसमें मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस होता है ना वो क्या होता है इसमें मैक्सिमम आपका तकरीबन? एक तो यहाँ पर फाइनली हमें एक छोटी सी सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, ये एरिया हमें सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये एरिया हमें सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मिल रही है और ट्रेंड लाइन की भी रिस्पेक्ट होगी। तो आई होप कि यहाँ से स्पाइक आ जाएगा नियर बाई, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है और ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, एक छोटा सा स्ट्राइक तो हमें कवर करना ही चाहिए। और इसमें मैक्सिमम स्टॉप लॉस की जो मैं बात कर रहा था, तो जब आपकी एंट्री जब ट्रेंड लाइन को टच कर जाएगी कैंडल, तो उसके बाद आपने जो है ना मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें, मैक्सिमम 10 कैंडल तक। 10 कैंडल से अबाव आप होल्ड ना कीजिए, फिर
वो क्योंकि रिस्पेक्टिंग जो होती है ना ट्रेंड लाइन की, वो 5 कैंडल होती है, फिर भी हम जो है ना 3 कैंडल में आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, इसी वजह से 3 मिनट और ज़्यादा वेट कर लेंगे तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। देखें बिल्कुल पहुँच गई है अभी, बिल्कुल इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस टच किया है, तो मैं यहाँ से 2 ऑर्डर और प्लेस कर देता हूँ 0.80 के, और मेरा बैलेंस इस टाइम 388 USD है इस टाइम ट्रेडिंग अकाउंट में MT5 के। चलें वेट करते हैं अब कब तक स्पाइक आएगा, स्पाइक का वेट कर रहे हैं। वैसे हमारा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए ना इस ट्रेड में हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, एक ये एरिया भी हमें मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है। मैं अगर आपको लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ कि यहाँ से ये एरिया जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, क्योंकि लास्ट टाइम सेकंड लास्ट टाइम इधर सपोर्ट मिली थी, एक लास्ट टाइम इस जगह पे इसको सपोर्ट मिल रही है स्ट्रॉन्ग। सो वेट करते हैं, इंशाल्लाह स्पाइक आ जाएगा, और ये मैक्सिमम तकरीबन 8 कैंडल ही बनता है, इस लाइन तक जो पहुंचेगा तो इसका स्टॉप लॉस 8 कैंडल ही बनेगा। देखते हैं, वैसे मेरे दोस्तों मेरे यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, आपको इंशाल्लाह हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, और हर एनालाइजेशन की जो मेरी वीडियो होगी जो मैं एनालाइज करूंगा मार्केट को, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, और आप लोगों को समझाता भी रहूंगा कि स्नाइपर एंट्रीज कहाँ से पिक करनी है। चलें जब तक इसमें स्पाइक आता है हम देखते हैं, और पे उसको क्रेश 500 क्रेश 300 हमसे मिस हो चुका है, नो प्रॉब्लम, बूम 300 को ऑलरेडी वो है, और क्रेश 1000 की भी स्पाइक आज में आए हुए हैं, बूम 1000 काफ़ी ऊपर जा रहा है। चलें हम बूम 500 में थे, बूम 500 को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी आ गया और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन पे भी हमारे इसने रिस्पेक्टिंग है, आई होप कि यहाँ से ये स्पाइक ले लेगा। इस टाइम लॉस में जा रही है मेरी ट्रेड्स 2.55 के, देखते हैं इसके स्पाइक आएगा तो। सिर्फ स्नाइपर एंट्रीज पकड़नी होती है हमें और कुछ नहीं है। चलो मैं आपको अपना क्रेश 1000 की आज की ट्रेड हिस्ट्री खोल के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ पर ट्रेड ली, ये देखें ये ट्रेड ली, ये कुछ छोटी सी ट्रेड ली थी भाई ने वो क्लोज कर दी लॉस में, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हिस्ट्री आज की रही है। ये देखें काफ़ी अच्छा है, इस अकाउंट को आज ग्रो किया है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना टीपी हिट होते हैं, ज़्यादातर स्नाइपर एंट्रीज में जो छोटा स्टॉप लॉस होता है मेरा, ज़्यादा तो 5 कैंडल 6 कैंडल, इससे बड़े स्टॉप लॉस नहीं रखता मैं। ये फाइनली इस एरिया पे पहुंचने वाली है, और इस एरिया पे जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ से भी मैं एक और ऑर्डर प्लेस करूँगा बूम 500 में, क्योंकि मैं इधर बहुत श्योर हूँ, कंफर्म हूँ कि यहाँ से एक स्पाइक आएगा। तो चलें वेट करते हैं स्पाइक का, और एंट्री एक लोड साइज थोड़ी बढ़ा रहा हूँ मैं। वन पॉइंट थ्री जीरो मैंने कर दिया लोड साइज, और यहाँ से मैं एक और ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ थोड़ी बड़ी लोड साइज का, और देखते हैं कब तक स्पाइक आता है, नहीं आएगा तो मैं इधर इसको क्लोज कर लूंगा। एक स्मॉल होल्डिंग कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, वैसे पैशन ज्यादा रखने होते हैं ट्रेडिंग में, ये असल में सबसे ज्यादा आपकी वो होती है। स्पाइक आ चुका है और मेरी बिल्कुल स्नाइपर एंट्री से स्पाइक आया, और इस टाइम $22 का प्रॉफिट हो रहा है मेरी तमाम एंट्रीज में, ये आपके सामने लाइव अकाउंट में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और चले मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, गुड हो गया। बड़ी VIP एंट्री हमें मिली थी और अच्छी एनालाइजेशन थी, आप लोग भी कर सकते हैं इसे। लेकिन मेरी बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो मैंने ट्रेड ली थी लास्ट ट्रेड में बिल्कुल स्नाइपर एंट्री में मेरे को $9 का प्रॉफिट आया था इसमें, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने
तो ट्रेडिंग इतना मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। सीखना चाहें तो भी मुझसे कांटेक्ट कर लें, मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है, मैं सिग्नल वहाँ पर भी देता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।